जब से पाकिस्तान बना है तब से रिश्ते अच्छे नहीं, और पाकिस्तान 3 बार आक्रमण कर चुका है हमारे ऊपर, एक छोटा सा था 2 बड़े थे। चीन भी 1 बार आक्रमण कर चुका है हमारे देश के ऊपर। तो पाकिस्तान के आक्रमण के बाद स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारा पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनके कब्जे में, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में, और 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में। जब चीन ने हमारे देश की इस 72,000 वर्ग मील जमीन को हड़प लिया था तो हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते, तो हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन दे दिया चीन को। और एक दिन पार्लियामेंट में यह सवाल उठा कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन आपने चीन को क्यों दे दिया, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब चीन का आक्रमण हुआ था भारतीय सेना इंतजार कर रही थी कि कब हमको आदेश मिले और कब हम जाएं अटैक का जवाब देने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटैक करने के बजाय उनको कहा था कि तुम पीछे चले आओ। और इतिहास इस बात को जानता है कि जब भारतीय सेनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट से चली आई थी तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने अपनी अपनी लाठियों से चीनी सरकार का मुकाबला किया। ये अरुणाचल प्रदेश बचा है वहां के लोगों की दम पर, ना कि भारतीय सेनाओं की दम पर। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने उनके पास जो भी हथियार थे इकट्ठे करके लाठियों से चीनी सेनाओं के सैनिकों का मुकाबला किया। भारतीय सेनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वापस बुला लिया और उसी का नतीजा ये निकला कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई चीन के कब्जे में। तो जब पार्लियामेंट में एक दिन सवाल आया कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन जो देश की चली गई है चीन के कब्जे में, इसको वापस लेने की कोई योजना बनानी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि वो 72,000 वर्ग मील जमीन बेकार की थी, उसमें कुछ भी नहीं उगता था, एक घास का तिनका भी उसमें नहीं उगता था, ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, बैरन लैंड थी, अगर चली गई तो क्या नुकसान हुआ। तो हमारे पार्लियामेंट में एक एमपी ने खड़े होकर पंडित नेहरू को कहा कि पंडित तुम कह रहे हो कि उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था इसलिए वो बेकार थी, तो तुम्हारे खोपड़ी पर भी एक भी बाल नहीं उगता है, इसको भी काट के छीन को दे दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारे देश की कुछ जमीन में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या परदेशों को दे देंगे उसको। ये कमजोरी की बातें हैं, ये उन नेताओं की बातें हैं जो स्पाइन लेस थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अगर रीढ़ की हड्डी होती तो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक टुकड़ा वो चाहे जितना हमारे लिए बेकार का हो, लेकिन जब राजनीतिक संप्रभुता का सवाल आता है तो वो देश कीमती हो जाता है। अगर यही प्रश्न इजराइल के लोगों के सामने होता तो इजराइल नाम का राष्ट्र तो कभी दुनिया में बनता नहीं। अगर यही प्रश्न तिब्बत के लोगों के सामने होता तो तिब्बत के लोगों ने तो अपनी लड़ाई कब की बंद कर दी होती, क्योंकि तिब्बत की बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर कुछ नहीं हो सकता। तो तिब्बत के लोगों ने अगर पंडित नेहरू वाली दिशा को अपनाया होता तो वो ये फैसला कर चुके होते कि हमारी सारी जमीन ले लेने दो चीन को, तो तिब्बत के लोग तो लड़ाई नहीं लड़ रहे होते अपने राष्ट्र।